बीज की यात्रा वृक्ष तक है, सरिता की यात्रा सागर तक है, और याद रखना जीव की यात्रा परमात्मा तक है। हम जब तक वहां तक ना पहुंच पाए यार, जीवन मुक्ति की जो अवस्था है, और जीवन मुक्त कैसे होते हैं वो सब मानस में लिखा है। जीवन मुक्त महामुनि चेऊं, हरि गुण से नहीं निरंतर तेऊं। मैंने सुना है कि कोई एक सन्यासी धर्म प्रचार के लिए निकलता है और उस यति को लोग कहते हैं कि खबरदार, आपका धर्म प्रचार करने का ये मकसद, ये इरादा, ये संकल्प अच्छा है, लेकिन वहां मत जाना, वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो सोच लिया है कि अब मुझे उसी दिशा में जाना है, लेकिन वहां के लोग गाली बहुत देते हैं। तो फिर उस यति ने कहा कि वो गाली ही देते हैं ना, पीटते तो नहीं है ना। उन्होंने कहा कि खबरदार, कभी कभी वो अपनी पर आ जाते तो पीट भी लेते हैं, वो मार भी देते हैं। यति ने कहा मारते हैं ना, जान से तो नहीं मारते हैं ना। उन्होंने कहा कि तेरा इरादा मुझे ऐसा लग रहा है कि तू अपनी जिद नहीं टालेगा, अरे वो जान से भी मार सकते हैं। तब उस यति ने कहा कि मैं तो अपने मैं को कभी का मार चुका हूं, मैं सन्यासी हूं। और याद रखना, जो अपने शरीर की मृत्यु से पहले अपनी मृत्यु को देख लेता है वो सच में सन्यासी का अधिकारी है, वो सन्यास का अधिकारी होता है। जो अपने अंतःकरण का साक्षी रहता है ना, याद रखना शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, कभी मैं सुखी था, जो कहता है कि मैं सुखी हूं वो ये भी कह सकता है कि मैं दुखी हूं, लेकिन जो एक बार ये जान लेता है कि मैं साक्षी हूं वो कभी बदलता नहीं है, क्योंकि साक्षी कभी बदलता नहीं है। और जो साक्षी को साध लेता है वो हमारे देश का सन्यासी होता है। याद रखना, धर्म जगत में सन्यास से बढ़कर कोई शब्द नहीं होता है, सन्यास से बढ़कर कोई सम्मान नहीं होता है, सन्यास से बढ़कर ऊंची कोई अवस्था नहीं होती है। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे भारत का एक सन्यासी हमको यहां आशीर्वाद देने के लिए आया है। सन्यास बहुत ऊंची अवस्था है बाप। बहुत आनंद की अवस्था है, छोड़ना नहीं पड़ता है, सब गिर जाता है, सब कुछ में रहते हुए गीता के इस श्लोक को वो आत्मसात कर लेता है, पद्म पत्र विभाम भसा। जैसे सरोवर में जल में और कीचड़ में रहते हुए भी कमल की कमल के ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं आती है। साधु जो होता है वो संसार में रहता है, लेकिन साधु के अंदर सन्यास नहीं होता है, उसके अंदर विराट होता है। और जिसके अंदर विराट उतरता है, जो समता को साध लेता है, वो सन्यासी है। जो विराट में स्थिर हो जाता है,